सबसे पहले मीडिया के माध्यम से पूरे देशवासियों को वे अपनी पार्टी बीएसपी के लोगों को भी नव वर्ष सन 2022 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ तथा कुदरत से ये भी कामना करती हूँ कि ये नव वर्ष सभी लोगों के लिए नई उम्मीदों व नई खुशियाँ लेकर आए, जिसके लिए हमारी पार्टी का सर्वजन हिताय वह सर्वजन सुखाय हेतु अपना संघर्ष प्रयास एवं योगदान हमेशा लगातार जरूर जारी रहेगा। साथ ही देश के करोड़ों गरीबों, कमजोर तबकों, मजदूरों, किसानों, युवाओं, छोटे व्यापारियों, महिलाओं व अन्य मेहनत कश लोगों को भी वर्तमान में फिर से शुरू हो रही कोरोना बीमारी आदि के इस कुदरती मार के साथ साथ केंद्र व राज्य सरकारों की भी इनके प्रति व जिन वर्गों का मैंने नाम लिया उनके प्रति भी चल रही इनकी वादा खिलाफी व अन्य घोर विफलताओं से भी हिम्मत नहीं हारना है, बल्कि हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए वे अपने संघर्ष के बल पर इनको अपना उज्जवल भविष्य खुद बनाना है और इसके लिए इनको आगे बढ़ चढ़कर मैदान में डटना होगा। और इसके लिए चुनाव में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक व्यक्ति व एक वोट का दिया गया ये हथियार एक सशक्त माध्यम है, जिससे लोग देश में या सभी जन विरोधी सरकारों को उचित लोकतांत्रिक सजा दे सकते हैं। इसलिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब आदि इन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने इस हथियार के जरिए ही वर्तमान में चल रहे अपने बुरे दिनों से मुक्ति पाकर थोड़े अच्छे दिनों की तरफ सार्थक प्रयास अवश्य कर सकते हैं। यही बीएसपी का नव वर्ष सन 2022 की सही आकांक्षा व संदेश भी है। इसके अलावा आज नव वर्ष के खास मौके पर सावधानी के तौर पर मैं अपनी पार्टी के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि जब बीजेपी व कांग्रेस आदि केंद्र व जिन भी राज्यों की सत्ता में आसीन होती है तो फिर ये पार्टियाँ केंद्र व संबंधित राज्यों में चुनाव घोषित होने से लगभग तब ये पार्टियाँ पूरे देश में जब लोकसभा का आम चुनाव होता है तो तब ये पार्टियाँ उस दौरान केंद्र व संबंधित राज्यों में चुनाव घोषित होने से लगभग 2-2.5 महीने पहले अपनी खूब ताबड़तोड़ हवा हवाई घोषणाएँ, शिलान्यास, उद्घाटन व लोकार्पण आदि करती हैं तथा उनकी आड़ में सरकारी खर्चे से अपनी खूब चुनावी जनसभाएं भी करती हैं, जिस पर इनकी पार्टी का नहीं बल्कि हमारी आम जनता का ही सरकारी पैसा पानी की तरह काफ़ी बेदर्दी से बहा दिया जाता है, जिसमें इनके ये जो इस किस्म के प्रोग्राम होते हैं जिसमें अधिकांश आधी भीड़ सरकारी कर्मचारियों की व आधी भीड़ टिकटार्थियों की ही होती है, जैसा कि अब हमें यहाँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब स्टेट आदि में देखने के लिए मिल रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि अब यह ठंड में जो इनको गर्मी चढ़ी हुई है, ये सरकार के गरीबों के खजाने की ही गर्मी इन्हें चढ़ी हुई है, जो अभी ये सरकारी खजाने का पैसा इस्तेमाल करके प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं इस बात को फिर दोहराना चाहती हूँ। और इतना ही नहीं बल्कि अब यह ठंड में जो इनको गर्मी चढ़ी हुई है, ये सरकार के गरीबों के खजाने की ही गर्मी इन्हें चढ़ी है। लेकिन जब ये पार्टियाँ सत्ता में नहीं होती हैं तो तब ये पार्टियाँ हमारी पार्टी की तरह ही चुनाव घोषित होने से कई कई महीने पहले तब ये सब ताबड़तोड़ जनसभाएं आदि नहीं करती हैं और फिर इनको अपने विरोधियों पर ठंडी गर्मी
वह हमारी संस्कृति के बनाए गए रिश्ते नातों आदि को भी लेकर कटाक्ष करने की याद नहीं आती है, क्योंकि उन पर फिर पैसा इनकी पार्टी का ही लगता है, अर्थात सरकार का नहीं। साथ ही दूसरी पार्टियों के सत्ता के होने की वजह से फिर ये पार्टियां कटाक्ष करना ही करना भी भूल जाती हैं, अर्थात फिर ये पार्टियां सत्ता में आने से पहले हमारी पार्टी की तरह ही चुनाव घोषित होने के नज़दीक केवल स्टेट लेवल पर व कार्यकर्ताओं के विभिन्न स्तर पर अधिकांश अपने अपने कार्यालयों पर ही अपनी तैयारी करती हैं। ये सब इन पार्टियों के साथ साथ हमारे मीडिया बंधुओं को भी मालूम है। वैसे भी इन सब मामलों में हमारी पार्टी इन पार्टियों की नकल करने में विश्वास नहीं रखती है, बल्कि अपनी पार्टी के लोगों की आर्थिक स्थिति को ही ध्यान में रखकर पूरे सूझबूझ से काम करती है। क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि यदि मैं इन पार्टियों की तरह इनकी नकल करके आए दिन खूब जनसभाएं आदि करती हूं, तो फिर मेरे लोग चुनाव के समय में जनसभाओं आदि आदि करने के लिए ज़्यादा आर्थिक बोझ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी गरीब और मजलूमों की पार्टी है, दूसरी पार्टियों की तरह धन्ना सेठों व पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट भी है, और यदि हम दूसरों की नकल करेंगे तो इससे फिर पार्टी को धन के अभाव में धन के अभाव होने पर चुनाव में काफ़ी कुछ नुकसान पहुंच सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि चुनाव की तैयारी को लेकर हमारी पार्टी की अलग कार्यशैली व तौर तरीके हैं, जिसे हम बदलना नहीं चाहते हैं। चाहे तो विरोधी पार्टियां खूब कटाक्ष करें या मीडिया भी खूब उल्टा सीधा लिखे, लेकिन चुनाव को तैयारी को लेकर हमारी पार्टी के अलग कार्यशैली व तौर तरीके हैं, जिसे हम बदलना नहीं चाहते हैं। वैसे भी हमारी पार्टी की इस कार्यशैली के लिए दूसरी पार्टियों को हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें खुद अपनी पार्टी की चिंता है। इसलिए आज मैं नव वर्ष के मौके पर पूरे देश में अपनी पार्टी के लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी का खासकर चुनाव के दौरान कार्य करने का जो तौर तरीका व कार्यशैली है, तो उन्हें उस पर ही अमल करके अपनी पार्टी का इस चुनाव में बेहतर रिजल्ट लाना चाहिए। और यदि हम इस मामले में दूसरी पार्टियों की नकल करते हैं तो उनके पास पैसा सरकार के साथ साथ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के पास से भी खूब आता है, जिनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये पार्टियाँ शुरू से ही यहाँ गरीबों व कमज़ोर तबकों का लगातार शोषण करती आ रही हैं। इस खास अपील व अनुरोध के साथ ही अब मैं पुनः पूरे देशवासियों व अपनी पार्टी के लोगों को भी नव वर्ष सन 2022 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस नव वर्ष के पहले दिन जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के दौरान जो वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई है, वे बड़ी संख्या में लोग वहाँ बुरी तरीके से घायल भी हो गए हैं, ये अति दुखद घटना है। कुदरत से मैं यही कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इस दुख को सहन करने की पीड़ित परिवारों को हिम्मत व हौसला जरूर दे। लेकिन इस घटना को लेकर अति दुख इस बात का भी है कि अभी तक मीडिया के माध्यम से जो तथ्य सामने आ रहे हैं, तो उसमें सरकार की ज़्यादा लापरवाही हमें नज़र आ रही है। सरकार इस पर ज़रूर गंभीरता से चिंतन करें, ताकि भविष्य में ऐसी घटना की कभी भी पुनरावृत्ति ना हो सके। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत।